नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी news.com। अभी तक आप हमें देख रहे थे लगातार नेताओं के साथ, अब बारी आ चुकी है पूरी तरीके से प्रशासन की, और प्रशासन ने कमर कस ली है। आज जो है चुनाव प्रचार खत्म हो गया और प्रशासन पूरी तरीके से मतदान कराने के लिए मुस्तैद है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर ज़िले के कलेक्टर दीपक आर्य साहब। बड़ा स्वागत है सर आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद तारिक जी। सर, जिस तरीके से अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और चुनाव प्रचार अब थम गया है, तो किस तरह की तैयारियाँ हैं? अभी नहीं थमाए, 6 बजे के बाद आज से चुनाव प्रचार चलेगा जब थम चुका होगा। जी 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 सर, आप किस तरीके की तैयारियाँ हैं पूरी? देखिए, जो भी निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, जो सीईओ ऑफिस के निर्देश हैं, उसके अनुक्रम में सारी कार्रवाइयाँ जिले में की जा रही हैं, और सुरक्षा संबंधी जो भी उपाय हैं, सभी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किए जा चुके हैं और सभी को बताया जा चुका है कि क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी हैं। तो जैसे ही आपका साइलेंस आर स्टार्ट होगा, उस समय से हमारी टीम्स लगातार कार्रवाइयाँ करेंगी, और जिन जिन लोगों को जिले के बाहर, जो लोग जिले में अपेक्षित नहीं हैं, उन लोगों को जिले से बाहर भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा, जो अन्य गतिविधियां हैं, बॉर्डर सारे सील किए जाएंगे। जी। सभी जगह निगरानी रखी जाएगी, किसी प्रकार का कोई भी अवैध जो चीज़ों की एंट्री जिले में ना हो। दूसरा, किसी भी प्रकार का जो होता है प्रलोभन या शराब इत्यादि का वितरण जो किया जाता है सामग्री का, वो ना हो, इस बात की पूरी ध्यान पूरी मुस्तैदी के साथ ज़िले में रखा जाए। सर, बड़े बड़े कद्दावर लोग सागर ज़िले में चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा हाई प्रोफाइल ये ज़िला है। बताते हैं कि कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो कि 2 दिन के अंदर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो 2 दिन, ये आने वाले 2 दिन ही माने जाते हैं, तो इसको लेकर किस तरह की पूरी तैयारी है? देखिए, जो भी अभ्यर्थी हैं वो सभी बराबर हैं और उन सभी को बराबर की नज़र से देखा जाएगा, सभी के साथ एक जैसा संव्यवहार किया जाएगा। ये सर 597 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, इस पर किस तरह की तैयारी है? देखिए, जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है, विभिन्न कारणों से उनको क्रिटिकल श्रेणी में लिया गया है, तो इसमें से लगभग सभी पे वीडियोग्राफी इनमें करवाई जा, लगभग 498 पे इसमें वेबकास्टिंग करवाई जा रही है, बाकी में वीडियोग्राफी इसमें करवाई जा रही है, और सभी जगह SPO लगे हुए हैं, कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार CAPF का आवंटन भी किया गया, और वर्दीधारी पुलिस अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं। मतदान को लेकर कुछ सागर टीवी न्यूज़ के ज़रिए आप जनता तक मैसेज देना चाहें तो? सबसे पहले मेरा सागर टीवी न्यूज़ को धन्यवाद जो आपने इंटरव्यू लिया, और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा सभी मतदाताओं से, कि सबसे पहले तो आप लोग किसी भी भय से, प्रलोभन से मुक्त रहें और अपना मतदान का प्रयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें। सभी लोग अपने घरों से बाहर आएं और अधिक से अधिक मतदान हम लोग अपने ज़िले में करें। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा शहरी मतदाताओं से और युवा मतदाताओं से, कि आप सामान्य तौर पर शहरों का मतदान प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम होता है, तो मेरा अनुरोध सभी से है कि आप सभी लोग अपने घरों से बाहर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। सर, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सागर ज़िले के कलेक्टर बिल्कुल तैयार हैं मतदान कराने के लिए, और वो जनता से अपील भी कर रहे हैं कि ज़बरदस्त तरीके से ज़्यादा तादाद में जाकर मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रयोग करें। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कमिटमेंट इंश्योर्स दैट ईच स्टूडेंट, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम, स्कूल हैज लैब्स इंक्लूडिंग फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब एंड बुक लाइब्रेरी, ब्यूटिफुल 13-acre कैंपस टू स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्ले विथ मैग्निफिसेंट मॉडर्न फैसिलिटी एंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.